बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, खुश होंगे। सो बेटा, आज हमारा साइकोलॉजी का 11th लेक्चर है और हमारा जो आज का टॉपिक है वो है लर्निंग। लर्निंग से क्या मुराद होता है जी? तो क्लास, लर्निंग से क्या मुराद होता है? सीखना ना, बहुत आसान टॉपिक है ये। आप सभी को पता है कि लर्निंग से मुराद होता है सीखना, लेकिन जब हम साइकोलॉजी में लर्निंग के हवाले से बात करेंगे तो ऐसे कौन कौन से अहम पॉइंट्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे, उनका जायज़ा लेंगे हम, ठीक है? तो एज़ यू नो डैट कि लर्निंग क्या है, लर्निंग से क्या मुराद होता है सीखना, तो हम साइकोलॉजी में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि लर्निंग के मायने क्या होते हैं, ठीक है? लर्निंग का मतलब क्या होता है। उसके बाद हम टाइप्स ऑफ लर्निंग के बारे में बात करेंगे। इसके साथ साथ हम लॉज ऑफ लर्निंग देखेंगे कि लर्निंग के लॉज कौन कौन से होते हैं। इसके बाद हम टाइप्स की बात करेंगे। टाइप्स में आ जाती हैं जी लर्निंग बाय मॉडलिंग या ऑब्जर्वेशनल लर्निंग भी हम इसको कहते हैं, और उसके बाद हम लर्निंग बाय इंसाइट की बात करेंगे। आफ्टर दैट लर्निंग बाय ट्रायल्स एंड एरर की बात होगी, लर्निंग बाय कंडीशनिंग की बात करेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि लर्निंग, व्हाट इज़ मेंट बाय लर्निंग? एक्चुअली द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज और स्किल्स थ्रू स्टडी एक्सपीरियंस और बीइंग टॉट, यानी किसी भी स्किल में महारत हासिल करना, जो कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपको सिखाई जाए वो लर्निंग कहलाती है, ठीक हो गया? अब आप सभी को पता है कि इंसान जो है वो एक सोशल एनिमल है, इसे सोसाइटी में रहने के लिए बहुत सारी चीज़ों को सीखना पड़ता है, उनमें महारत हासिल करनी पड़ती है, तभी वो उस सोसाइटी में मूव कर पाता है, अदरवाइज़ वो सोसाइटी में मूव नहीं कर पाता। सबसे पहले जब एक न्यू बॉर्न बेबी होता है, उसका इंट्रैक्शन अपनी फैमिली के साथ होता है। फैमिली में किसके साथ होता है? अपने पेरेंट्स के साथ होता है। पेरेंट्स जो है उसकी फैमिली उसको बहुत कुछ सिखाते हैं, ठीक है? वो सीखता है, वो लर्न करता है हाउ टू सर्वाइव, हाउ टू स्पीक, ठीक है? वो स्टार्टिंग की लर्निंग की हम बात कर रहे हैं ना। सो आफ्टर दैट क्या होता है कि वो स्कूल गोइंग हो जाता है। स्कूल जा के वो क्या सीखता है? वो पढ़ना सीखता है, वो लिखना सीखता है कि किस तरह से हम लिखेंगे, किस तरह से हम बोलेंगे, किस तरह से हम, यानी नॉलेज उसका आहिस्ता आहिस्ता इन्हेंस होना शुरू हो जाता है। सबसे पहले अगर केजी के स्टूडेंट की बात की जाए, मॉन्टेसरी की बात की जाए, तो जस्ट बच्चों को क्या होता है कि लिखना और बोलना सिखाया जाता है। आफ्टर दैट वन ग्रेड, सेकेंड स्टैंडर्ड जो है, इसके साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता उसमें इम्प्रूवमेंट आती जाती है। स्कूल के बाद पीरियड आता है कॉलेज, कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटीज़ का पीरियड आता है। तो आप खुद इस चीज़ को अपने माइंड में एक इमेज बनाएं कि स्कूल लेवल में आपका लर्निंग प्रोसेस कैसा था किसी भी चीज़ को सीखने का, और अब आपका लर्निंग प्रोसेस कैसा है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जब आप 7th या 8th स्टैंडर्ड में थे, तो आपके लिए हो सकता है कि सेल्फ राइटिंग बहुत मुश्किल हो, या कोई भी ऐसी कोई समरी स्टोरी जब आप उसको पढ़ते थे तो उसको याद करना मुश्किल होता था। लेकिन अब क्या है, अब डिफरेंस है, अब आप लोग खुद सेल्फ राइटिंग भी कर लेते हो पेपर, ऐसा ही है ना कि जस्ट टीचर का लेक्चर सुना और आप लोग सेल्फ राइटिंग करते हो। तो ये चीज़ें होती हैं कि इंसान टाइम टू टाइम उन तमाम चीज़ों को सीखता है, ठीक है? उसके बाद हम बात करते हैं साइकोलॉजी की, कि हम साइकोलॉजी में इसको किस पॉइंट ऑफ व्यू में लेते हैं लर्निंग को। एक्चुअली साइकोलॉजी नफ्सियात इसका किस तरह से जायज़ा लेती है, तो इसमें एक इंसान की लर्निंग का तफसीली मुताला बहुत डिटेल के साथ उसको डिस्कस किया जाता है, उसको देखा जाता है कि इंसान किस 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 फेज में कैसे और किन चीज़ों को कैसे सीखता है, ठीक है? इसके बाद जब इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि जो एक इंसान है वो अपनी नीड्स की सेटिस्फेक्शन के लिए क्या सीखता है, ठीक है? उसकी जो नीड्स हैं, हमारी जो बेसिक नीड्स हैं, चले अगर हम बेसिक नीड्स की बात करें तो हमारी क्या है, फूड, होम, शेल्टर है, ठीक है? तो हम अपना घर बनाने के लिए क्या सीखते हैं, हम फूड हासिल करने के लिए क्या सीखते हैं, ठीक है? फूड हासिल किस तरह से किया जा सकता है, यानी खाना पीना किस तरह से हासिल करें, वो तभी होगा ना जब हमारे पास पैसे होंगे। तो उसके लिए क्या हमारे पास कुछ स्किल होना ज़रूरी, हमारा जॉब करना भी ज़रूरी, फॉर एग्ज़ाम्पल। अच्छा, इसके बाद आ जाता है जी कौन कौन सी नई हैबिट्स को अडॉप्ट करता है, अपनाता है। फिर इसके बाद साइकोलॉजी में ये भी जायज़ा लिया जाता है कि इसमें ये भी देखा जाता है कि इसकी तमाम जो उसने हैबिट्स ड्यूरिंग लर्निंग अडॉप्ट की, उनकी तश्कील किस तरह से, वो किस तरह से कम्प्लीट हुई, ठीक है? अच्छा, फिर इसमें साइकोलॉजी में देखा जाता है लर्निंग के हवाले से कि कौन कौन सी महारतें कैसे हासिल की गई ना, और इसके साथ साथ ये भी देखा जाता है कि इसने कौन से जो बिहेवियर को इख्तियार किया था, नेगेटिव या पॉजिटिव, वो मैं आगे चल के आपको बताती हूँ कि कौन से नेगेटिव या प,
पॉजिटिव बिहेवियर होते हैं। अच्छा, एक और चीज़ भी यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूँ, वो ये है कि लर्निंग का बेसिकली जो कनेक्शन है वो ह्यूमन सेंट्रल नर्वस सिस्टम की मेच्योरनेस से भी होता है। लाइक अगर आप देखो कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो बैठने, बोलने, चलने फिरने के काबिल नहीं होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे वो ये काम करता है तो क्या होता है कि उसमें नर्वस सिस्टम मेच्योर होता है। लाइक अगर आप देखो तो बच्चे की बैकबोन जब स्ट्रॉन्ग होती है तो वो बैठने लगता है, इस तरह से अगर लेग्स मसल्स स्ट्रॉन्ग हुए तो वो चलने फिरने लगता है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये लर्निंग में आती है। ठीक है जी, इसके बाद जो है हम लॉज ऑफ लर्निंग के हवाले से बात कर लेते हैं कि लॉज ऑफ लर्निंग कौन कौन से। सबसे पहले तो आता है हमारे पास लॉ ऑफ एक्सरसाइज। इससे क्या मुराद होता है? वेरी सिंपल, इससे मुराद होता है कि जितनी बार भी हम जिस चीज़ को रिपीट करेंगे उतनी ही उसमें बेहतरी आएगी, वो उतना ही काम हमारा हमारे लिए बेटर हो जाएगा। यानी कोई ऐसा काम जब हम कोई नया सीखने जा रहे हैं उसको हम जितनी बार भी प्रैक्टिस करेंगे वो हमारे लिए नेक्स्ट टाइम आसान हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल चलें एक राइटिंग स्किल्स की बात कर लेते हैं। राइटिंग भी बहुत सारी जो है उनकी टाइप्स होती हैं। अगर हम इंग्लिश राइटिंग की बात करते हैं तो एक नेलसन राइटिंग है, कर्सिव राइटिंग है, लेट्स से कट राइटिंग है, डिफरेंट डिफरेंट अपने अपने स्टाइल्स होते हैं। तो अगर आप लोगों ने वो राइटिंग स्किल्स सीखने हैं लेट्स से, तो सबसे पहले क्या होगा, स्टार्टिंग में आपके लिए मुश्किल होगा, फिर उसको आप प्रैक्टिस करोगे, फिर उसको प्रैक्टिस करोगे बार बार, उसकी जब आप उसकी मश्क करोगे तो एट द एंड क्या हो जाएगा, आप में कुछ बेहतरी आ जाएगी और फिर बहुत बार प्रैक्टिस करने के बाद वो चीज़ आपके लिए बेहतर हो जाएगी। वो एक है ना कि सेइंग प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इसके बाद आती है लॉ ऑफ अफेक्ट। इसमें क्या होता है कि यानी अगर कोई स्टिमुलस हमारे सामने है और उसका जो तासर है वो हम पे अच्छा पड़ रहा है तो हम उसको बहुत जल्दी गेन करेंगे, बहुत जल्दी सीखेंगे किसी भी चीज़ को। लेकिन अगर हमारे स्टिमुलस का जो हम पे जो इम्पेक्ट है वो नेगेटिव है, हमें अच्छा नहीं लग रहा, तो हम उसको नहीं सीखेंगे। लेट्स से स्टूडेंट्स की अगर मिसाल लें तो उनको क्या होता है कि कुछ सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं और कुछ सब्जेक्ट्स बुरे लगते हैं। ये एक स्टूडेंट्स नेचर है, हम इसको डिनाई नहीं कर सकते कि कुछ सब्जेक्ट्स आपके बहुत फेवरेट होते हैं। उसकी वजह एक टीचर भी होता है कि टीचर का वे ऑफ टॉकिंग या समझाने का अंदाज़ बहुत अच्छा होता है कि ऑटोमेटिकली स्टूडेंट्स को वो सब्जेक्ट अच्छा लगने लग जाता है। अगर हम किसी इसके साथ साथ अगर हम एज़ कम्पेयर टू अगर आपका कोई फेवरेट सब्जेक्ट है, कोई ऐसा सब्जेक्ट जो कि आपका फेवरेट नहीं है, तो उसकी हो सकता है कि और रीज़न हो कि आपको वैसे वो समझ नहीं आ रहा या वो सब्जेक्ट आपको अच्छा नहीं लग रहा, उसकी कोई और रीज़न भी हो सकती है। तो अगर आप लेक्चर के दौरान बैठे हुए हैं, अगर आपके अपने फेवरेट लेक्चर के दौरान अगर आप बैठे हुए हो तो डेफ़िनेटली आपको फेवरेट लेक्चर बहुत जल्दी आप उसको लर्न करोगे, उसको गेट करोगे, ठीक है, उसको सीखोगे। लेकिन जब आप एक ऐसी क्लास में बैठे हुए हो जो कि आपका फेवरेट टॉपिक नहीं है, आपको टाइम लगेगा उसको सीखने में, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ जो हमारा जो नेक्स्ट है लॉ वो है जी लॉ ऑफ रेडीनेस। ये तीनों लॉज जो हैं ये थॉरन डाइक ने पेश किए हैं, ठीक है। हमने थॉरन डाइक की पहले भी बात की हुई है अपने पिछले लेक्चर्स में, इन्होंने लॉ ऑफ अफेक्ट भी पेश किया हुआ है जो कि हमने उसमें गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ थॉट पे भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो इसकी अगर हम बात करें तो इसमें क्या है कि अगर इंसान का जो ज़हन है अगर वो मेंटली रेडी है, फिज़िकली रेडी है किसी चीज़ को सीखने के लिए, तो वो बहुत जल्दी उसको सीख लेगा और उसके बाद जब वो उसका जो लर्निंग प्रोसेस है वो बहुत फास्ट होगा और उसको वो सिस्टम वो चीज़ आसानी से भूलेगी नहीं, अगर उसका माइंड रेडी है उस सिचुएशन को सीखने के लिए या किसी भी काम को सीखने के लिए। लेट्स से अगर मैं आर्ट्स जो है या फिर मैं जो है पेंटिंग सीखना चाह रही हूँ, तो मैं क्या जी कि मैंने पेंटिंग की क्लास लेना शुरू की, पहले दिन ही मेरा इंटरेस्ट इतना अच्छा है कि मुझे मेरा इंटरेस्ट है उसमें कि मैंने पेंटिंग सीखनी है, तो डेफिनेटली क्या होगा कि मैं बहुत जल्दी उसको सीख जाऊँगी और मेरे स्किल्स भी अच्छे होंगे पेंटिंग करने के। एज़ कम्पेयर कि अगर मुझे पेंटिंग ज़बरदस्ती को कह रहा है कि आप पेंटिंग सीख लो, तो जब मैं पेंटिंग सीखने जाऊंगी तो जब मेरा माइंड भी रेडी नहीं है, मैं फ़िज़िकली भी उस चीज़ के लिए रेडी नहीं हूँ, तो या तो फिज़िकली की अगर हम बात करें तो या तो मैं बहाने बनाऊँगी कि आज ना जाना पड़े, और अगर मेंटली बात करें तो जब मुझे कोई सिखा रहा होगा तो मैं अटेंटिवली उसको सुनूंगी नहीं, तो ये सीखने का जो लर्निंग प्रोसेस है मेरा क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा पेंटिंग सीखने का।
तो जब आपका माइंड मेंटली सिचुएशन, जब आप मेंटली रेडी होते हो किसी चीज़ के लिए, तो आप बहुत जल्दी उस चीज़ को सीख लेते हो और उसका प्रोसेस जो होता है वो बहुत फास्ट होता है और आपको आसानी से भूलता नहीं। लेकिन अगर कोई चीज़ आपसे ज़बरदस्ती आपको सिखाई जा रही हो, ठीक है, जब कोई चीज़ आपसे ज़बरदस्ती आपको सिखाई जा रही हो, तो वो आप थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाती है और उसका प्रोसेस ऑफ फॉरगेटिंग बहुत फास्ट हो जाता है, बहुत जल्दी उसको भूल जाते हो। तो ये थॉरन डाइक के 3 जो लॉज हैं उसने पेश किए। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास टाइप्स ऑफ लर्निंग। नंबर 1 है जी हमारे पास लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन, इसको हम लर्निंग बाय मॉडलिंग भी कहते हैं, यानी लर्निंग बाय मॉडलिंग और ऑब्जर्वेशन एक ही चीज़ के 2 नाम है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है जी लर्निंग बाय इनसाइट, यानी अपनी अकल, अपनी बसीरत इस्तेमाल करते हुए, ये हमने गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ थॉट में पढ़ा हुआ है। इसके बाद आता है जी लर्निंग बाय ट्रायल्स एंड एरर, एंड आफ्टर दैट है जी लर्निंग बाय कंडीशनिंग, ये वही है जो कि हमने उसमें बिहेवियरिज्म में बहुत कम्प्लीटली, बहुत डिटेल के साथ इसको डिस्कस किया हुआ है। आप ये पुराना वाला लेक्चर भी देख सकते हो जिसमें मैंने कंडीशनिंग के क्लासिकल और प्रंट कंडीशनिंग के एक्सपेरिमेंट्स आपको बताए हुए हैं। आसानी हो जाएगी, वही सेम चीज़ इसमें लिखनी है आपने लर्निंग बाय कंडीशनिंग। उसमें पेवलो का आप एक्सपेरिमेंट लिख सकते हैं, सिग्नर का आप एक्सपेरिमेंट इसमें ऐड कर सकते हैं कंडीशनिंग में। और कंडीशनिंग में स्टिमुलस रिस्पांस, मैंने पेपर में सवाल किया हुआ था स्टिमुलस और रिस्पांस और इसके हवाले से, तो कुछ बच्चों ने जो है उसको बहुत गलत जो है वो डिफ़ाइन किया हुआ था। हालांकि आप लोगों को इसी चीज़ से, स्टिमुलस और रिस्पांस से आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए था कि हमने ये पेवलो का जो एक्सपेरिमेंट पढ़ा हुआ था डॉग का, ये उसके बारे में बात की गई है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम आप लोग केयरफुल रहिएगा, आपके डेफिनेटली फाइनल्स भी आ रहे हैं। और ये लर्निंग वाला जो क्वेश्चन है, लर्निंग बाय कंडीशनिंग, लर्निंग क्लासिकल कंडीशनिंग, ये लास्ट टाइम पेपर में आया था सवाल, मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था इस चीज़ को कि दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। खैर ये मेरे टाइम में भी बहुत ज़्यादा आता था जब मैंने एग्ज़ाम्स देने होते थे, तो हमारे टीचर्स भी हमें यही कहा करते थे कि लर्निंग बाय कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंटली आप लोगों ने देखना है। तो मुझे भी अक्सर ये पेपर में सवाल आया करता था जी। जी तो क्लास नेक्स्ट जो है वो है हमारा लर्निंग बाय मॉडलिंग और ऑब्जर्वेशन, यानी किसी को देखकर कुछ सीखना। तो सबसे पहले ये चीज़ हम लोग अपनी लाइफ में भी इसको देख सकते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में किसी को देखकर कुछ सीखते हैं या नहीं सीखते, ऐसा है या नहीं है। तो देखिए मैकडॉगल जो है उसके नज़दीक जो है ऑब्जर्वेशन एक फितरी अमल है, और वो कहता है कि ये हर इंसान में पाया जाता है और हर इंसान किसी न किसी को फॉलो करने की कोशिश करता है, कॉन्शियस या अनकॉन्शियस तौर पर दूसरों के बिहेवियर को फॉलो करता है, ठीक है। इसको हम मॉडलिंग भी कहते हैं। इसके साथ साथ एक फ्रांसीसी जो है साइकोलॉजिस्ट है, उसका ये कहना है कि इंसान कि जो फेवरेट पर्सनालिटी होती है उसकी कुछ क्वालिटीज़ को देखता है और उन जैसा बनने की कोशिश करता है, ठीक है। यानी कोई भी चीज़ अगर हमने किसी में देखी है हम उस जैसा बनने की कोशिश करते हैं। मैं अभी आपको बताती हूँ एग्जांपल से, फिर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। इसके साथ साथ अल्बर्ट बेंडोरा जो है उसने सबसे पहले इस पर रिसर्च की, एज यू कैन सी द नेम, कि उसने सबसे पहले इस पर रिसर्च की। उसका ये कहना है कि इंसान क्या करता है जब अपनी किसी फेवरेट पर्सनालिटी को देखता है तो उसकी कुछ क्वालिटीज़ को अपने माइंड में बिठा लेता है और उन क्वालिटीज़ का स्केच अपने माइंड में बनाता है कि फ़लाँ शख्स ऐसा है तो मुझे उस जैसा बनना है। तो अभी मैंने क्या बताया कि जो टार्डे ने क्या कहा है, उसने कहा है कि कॉन्शियसली भी या अनकॉन्शियसली भी। अनकॉन्शियसली अगर हम बात करें तो बच्चे बाज़ का क्या होता है कि हम लोग कह रहे होते हैं कि फ़लाँ हमें अच्छा नहीं लगता या हम फ़लाँ से जैलिस हो रहे हैं, क्योंकि ये जो चीज़ है ना ये इंसान की नेचर में पाई जाती है। हम उसको कॉन्शियसली एक्सप्लेन नहीं कर रहे लेकिन अनकॉन्शियसली हम उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो रहे होते हैं। दैट्स द रीज़न कि हम उससे जेलसी फील करते हैं और कहते हैं कि मैंने एक बार इस तरह से अपने टीचर से सुना था कि जब आपको लगता है कि फ़लाँ शख्स आपसे जेलस होता है तो आपने उसको बदले में नेगेटिविटी नहीं देनी, आपने बदले में जाके उसको एक चाय का कप आप उसको पेश कर दें ताकि उसको अंदाज़ा हो कि हाँ कि ये शख्स जो है ये मुझसे अच्छे से बिहेव कर रहा है। तो उसके दिल में अगर आपके लिए कोई नेगेटिविटी है भी तो वो ख़त्म हो जाएगा। तो बाज़ूकात क्या होता है कि हम जिस इंसान से जेलस भी हो रहे होते हैं हम कहीं ना कहीं उसको अडॉप्ट कर रहे होते हैं। आई नो कि अब आप लोग इसको सोच रहे होंगे कि किस तरह से हम किसी की हैबिट्स को भी अडॉप्ट करते हैं। लेट्स से इसके सिर्फ और सिर्फ हम शख्सियात की बात करें, इसके साथ साथ हम रोल मॉडल की भी बात कर लेते हैं। देखिए बच्चे होता क्या है कि बाज़ूकात इंसान अपनी कुछ फेवरेट जो मॉडल्स होते हैं, फेवरेट शख्सियात पर्सनैलिटीज़ होती हैं,
उनको भी देख के कुछ चीज़ें अडॉप्ट करता है, सीखता है। लेट्स से अगर इफ़ आई टॉक अबाउट टीचर्स, के कुछ टीचर्स हमें इतने अच्छे लगते हैं कि वो उनका समझाने का अंदाज़, उनका स्पीकिंग स्टाइल, उनसे वो किस तरह से बच्चों से डील करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि ऑटोमेटिकली जो है वो हम उनकी उन हैबिट्स को अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। तो हम उनकी तरह बाजुकात हम उनकी तरह बोलने की भी कोशिश करते हैं। तो ये उस चीज़ की अगर हम चलें, अगर अपने बचपन की तरफ देखें, तो बाजुकात आपने अगर बचपन अपना वाक्य याद नहीं है तो अपने सामने किसी छोटे बच्चों को आपने वो खेलते हुए देखा होगा, टीचर टीचर। वो क्या होता है कि छोटे बच्चे जो है वो टीचर बन जाते हैं और बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं। तो ये क्या होता है कि अनकॉन्शियसली कॉन्शियसली हम अपने टीचर को कॉपी करने की कोशिश कर रहे होते हैं और हम उनसे कुछ ना कुछ सीखते हैं। इसके साथ साथ अगर हम लर्निंग के हवाले से बात करें, लर्निंग बाय मॉडलिंग या ऑब्जर्वेशन, यानी मुशाहिदा करके हम चीज़ों को सीखते हैं। ऐसा है कि बाज़ुका कुछ पर्सनैलिटीज़ ऐसी भी होती हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वो टीवी स्टार्स को आइडियलाइज़ करते हैं कि ये हमारे सामने ये स्टार है, हमने इसकी तरह बनना है। गर्ल्स की बात करें तो वो ड्रेसिंग के हवाले से देखती हैं कि हाँ, ये इस तरह से मुझे ड्रेसिंग करनी चाहिए, मुझे इस तरह से बोलना चाहिए। अगर बॉयज़ की बात की जो है, आई गेस के हेयर स्टाइल्स वगैरह या कुछ इस तरह से ड्रेसिंग के हवाले से भी बात की जा सकती है कि वो टीवी स्टार्स को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। इसके साथ साथ जो थर्ड कैटेगरी आती है वो आती है जी, एक तो नेशनल हीरोज़ की भी आ जाती है और इसके साथ साथ जो है नेशनल क्रिकेटर्स की भी आती है। हमारे सामने कुछ क्रिकेटर्स इतने अच्छे होते हैं, हम उनके फ़ैन हो जाते हैं और कहीं ना कहीं हम उनको फॉलो करने लग जाते हैं, उनको एज अ मॉडल हम सेलेक्ट करते हैं, अपना रोल मॉडल सेलेक्ट करके उन जैसा बनने की कोशिश करते हैं। सो क्या अभी हमने क्या चीज़ सीखी कि हम अपनी पर्सनैलिटी में कुछ चेंजिंग्स लाते हैं, कुछ सीखते हैं किसी को देख के, किसी को फॉलो करके। ठीक है, तो ये है जी लर्निंग बाय मॉडलिंग, लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जी लर्निंग बाय इंसर्ट। वेरी इंटरेस्टिंग, ये सेम वही टॉपिक है बच्चे जो हम लोग अपने गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ थॉट में पढ़ चुके हैं, यानी अपनी बसीरत इस्तेमाल करते हुए किसी भी चीज़ को सीखना और उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करना। हमने गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ थॉट में क्या पढ़ा था कि अकॉर्डिंग टू गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ थॉट, उसमें उनका कहना था कि इंसान जो है किसी भी चीज़ को एज अ होल अपने एनवायरनमेंट में परसीव करता है, परसीव करने के बाद उसके पार्ट्स की तरफ जाता है। लाइक मैंने आपको ट्री की एग्जांपल दी थी कि अगर हम किसी बाग में एंटर हुए हैं तो हमने सबसे पहले हमने ट्री को देखा है, तो हमारे माइंड में सबसे पहले क्या आएगा, टॉल ट्री या शॉर्ट ट्री। हम उसकी ब्रांचेस, हम उसके लीव्स, हम उसकी रूट्स की तरफ बाद में जाएंगे। ठीक है ना, ऐसे ही है कि इसके साथ मैंने आपको वो भी एग्जांपल दी थी कि अगर एक तरफ साइकिल के पार्ट्स हैं और एक तरफ साइकिल है, तो हम सबसे पहले क्या चीज़ देखेंगे, पूरी पूरी साइकिल देखेंगे। हम एज अ होल चीज़ों को परसीव करते हैं, उसके बाद हम पार्ट्स की तरफ जाते हैं। तो इंसान की नेचर क्या है कि इंसान किस तरह से क्या करता है कि किसी भी चीज़ को एज अ होल परसीव करने के बाद फिर क्या करता है, उसके पार्ट्स में की तरफ जाता है, फिर अपनी इंसाइट यूज़, अपनी बसीरत को इस्तेमाल करते हुए फिर उसी एनवायरनमेंट में कुछ एक्ट करता है। तो लर्निंग बाय इंसाइट यानी अपनी अकल को इस्तेमाल करते हुए अपने एनवायरनमेंट का जायज़ा लेकर कोई एक्ट करना, कुछ सीखना, कुछ करना। तो इसमें जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स हैं वो आ जाते हैं जी, कोफ्का के आते हैं, कॉलर के आते हैं। तो कोफ्का का जो कहना है, कोफ्का के हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम कॉलर के डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये हमने पहले भी पढ़े हुए हैं। तो जी कॉलर में क्या है कि उनका कहना है कि वो जानवरों पे उसने एक्सपेरिमेंट किए थे, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे। एक तो जो आपकी राइट साइड पे पिक्चर आपको नज़र आ रही है, बहुत सारे मंकीज़ हैं, तो ये इसने एक सुल्तान नामी चंपेजी की जो है वो मिसाल दी हुई है। सुल्तान आई डोंट नो, लेकिन बुक्स में सुल्तान ही इसका नाम आता है। ठीक है, इसका नाम आप लोग सर्च भी कीजिएगा, नेट पर भी सर्च कीजिएगा, इसका इस चंपेजी का नाम सुल्तान ही आता है। अच्छा जी, इसने क्या किया कि बहुत सारे जो हैं मंकीज़ को एक रूम में बंद किया और रूम के चारों तरफ जो है वुडन ब्लॉक्स रखे। वुडन ब्लॉक्स रखने के बाद उसने क्या किया, कुछ बनाना बंस जो है वो वॉल के रूफ के साथ जो है वो हैंग करती है। अब जब मंकीज़ को बंद किया गया तो बहुत सारे मंकीज़ ने जंप करना शुरू कर दिया कि हम किसी तरह से वो बनाना बंच हासिल कर लें, एज यू कैन सी इन द पिक्चर। लेकिन इनमें से जो एक मंकी बहुत ज़्यादा स्मार्ट था, जिसका नाम सुल्तान रखा गया, उसको सुल्तान के नाम से जाना जाता है, उसने क्या किया कि सबसे पहले रूम में एज अ होल चीज़ों को परसीव किया कि यहाँ रूम में क्या क्या है, रूम कैसा है, रूम में बनाना है। फिर उसने उसके पार्ट्स की तरफ देखा, चीज़ों को देखा, यानी कोने में क्या पड़े हुए हैं, वुडन ब्लॉक्स पड़े हुए हैं। उसने क्या किया, बाकी मंकीज़ अपने अपने
लगे हुए थे जंप करने में, लेकिन उसने क्या किया, उसने उन ब्लॉक्स को इकट्ठा किया, एक जगह पे इकट्ठा करके एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा रख के उसके ऊपर चढ़ा। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, उसने वो बनाना बंच हासिल कर लिया। तो ये होता है लर्निंग बाय इनसाइट, अपनी अकल को इस्तेमाल करते हुए कुछ चीज़ों को सीखना। ठीक है, पहले हमने क्या किया कि हम दूसरों की पैरवी करते हैं, दूसरों को फॉलो करते हैं, तब हम कुछ अपनी पर्सनैलिटी में कुछ चेंज लेकर आते हैं, अपनी हैबिट्स चेंज करते हैं, हम कुछ नया सीखते हैं। फिर हमने सीखा कि किस तरह से हम क्या करते हैं, अपनी अकल इस्तेमाल करते हुए। अच्छा, उसके साथ साथ जो है, जो सेकंड एक्सपेरिमेंट जानवर पे किया गया, वो ये जो आपके लेफ्ट साइड पे जो पिक्चर है उसमें था जी, एक मंकी को जो है वो पिंजरे में बंद किया गया, और पिंजरे में बंद करने के बाद एक बनाना बंच उसकी बहुत ज़्यादा अप्रोच से दूर रखा गया, और उसके पास दो स्टिक्स को रखा गया, लेकिन वो केज से बाहर थी। ठीक है, अब उसने क्या किया कि वो स्टिक्स थोड़ी पास थी, उसने एक स्टिक पकड़ी और बनाना बंच को हासिल करने की कोशिश की, लेकिन वो स्टिक जो है स्टिक की मदद से बनाना बंच को हासिल नहीं कर सका। तो फिर इसके बाद उसने क्या किया, अब थोड़ी देर सोचने के बाद उसने क्या किया कि उन दोनों स्टिक्स को मिलाया और वो बनाना को हासिल कर लिया। तो ये यानी अपनी अकल को इस्तेमाल करते हुए कोई चीज़ सीखना। अब अगर हम कोफ्का की बात करते हैं, जो कि गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ थॉट के ही एक जो है माहिर नफ्सियात हैं, उनका ये कहना है कि जहानत के अमल को जिस्मानी और ज़हनी नशोनुमा के साथ वो अटैच जो है उन्होंने किया है। उनका ये कहना है कि इब्तदाई बचपन में चूँकि बच्चे में सेंसरी और जो कहते हैं मोटर मसल जो है इतने पुख्ता नहीं होते कि वो पेचीदा अमूर से मतलब जो मामलात हैं उनको हल कर सके, इसलिए ये अमल इस वक्त तश्कील पाता है जब इनकी जो मसल्स हैं वो मजबूत हो जाएं। चूँकि अमूमन 11-12 साल की उम्र तक बच्चे जो हैं वो काम करना शुरू कर देते हैं जो कि न्यूबॉर्न बेबी नहीं कर पाते। इस दौरान क्या होता है कि फ़र्द जो है वो अपनी अकल और जहानत में इतना पुख्ता हो चुका होता है कि वो पेचीदा से पेचीदा जो मामलात हैं उनकी नौयत को समझ लेता है, उनका परसेप्शन कर सकता है, उनको हल कर सकता है। ठीक है, अच्छा जी, हमारा जो नेक्स्ट है वो है जी ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एंड एरर से अगर हम इसको देखें तो इसमें क्या चीज़ें आ जाती हैं, ट्रायल का मतलब होता है कोशिश करना, एरर होता है गलती करना। यानी अगर आप देखो तो यानी फ़र्द या जानवर सीखने के अमल के दौरान बार बार कोशिश करता है, यानी किसी भी चीज़ को जब हम सीख रहे होते हैं तो स्टार्टिंग में हमारी मिस्टेक्स होती हैं, लेकिन बार बार ट्रायल्स की मदद से हम उस चीज़ को सीख लेते हैं। इस दौरान उससे गलतियाँ भी सरज़द होती हैं, चाहे वो इंसान है चाहे वो जानवर है, मगर तकरार की बदौलत वो गलतियों को तर्क करता जाता है, यानी बार बार करने और कामयाब हरकत को अगली कोशिश में दोहराता है। ठीक है, यहाँ तक कि वो सीख जाता है कि ये तरीका अमूमन फ़र्द इस वक्त इस्तेमाल करता है जब उसे सही तरीक़ा कार का इल्म ना हो। ठीक है, जो ज़्यादा मुश्किल काम होते हैं उन कामों को सीखने में ट्रायल्स एंड एरर का तरीका इस्तेमाल होता है। अच्छा, इसके हवाले से कुछ प्रैक्टिकल्स भी होते हैं ट्रायल्स एंड एरर्स के हवाले से ना, मैं आपको दिखाऊंगी प्रैक्टिकल्स की कॉपी। तो इंसान में समझ बूझ रखने के बायस जो है वो ट्रायल्स और एरर्स की जो गुंजाइश है वो कम होती है। यानी हम बानिस्बत अगर हैवानों की या जानवरों की बात करें तो हम उनसे ज़्यादा जल्दी सीख लेते हैं। अच्छा, इसके हवाले से एज यू कैन सी इन द पिक्चर ट्रायल एंड एरर में थॉर्नडाइक का जो लॉज ऑफ हमने लर्निंग पढ़ा है उसी में इसने जो है था इस थॉर्नडाइक ने ही ट्रायल एंड एरर के हवाले से एक्सपेरिमेंट किए। इसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और इसने जानवरों पर निचले दर्जे के जो जानवर थे उन पर एक्सपेरिमेंट किए, और उसमें उसने ये बताया कि जो जानवर हैं बहुत बार गलतियाँ करके कोशिश करके सीख लेते हैं। अच्छा, इसने क्या किया कि उसने एक कैट को एक केज में बंद किया और उसके सामने फूड रख दिया। वो कैट क्या थी, भूखी थी। ठीक है, एक भूखी बिल्ली को लेकर उसने एक पिंजरे में बंद किया और पिंजरे में एक लीवर लगा दिया। ठीक है, अब जब बिल्ली को पिंजरे में बंद किया गया और उसके सामने फूड था जो कि पिंजरे से बाहर था, बिल्ली ने चाहते ही क्या करना शुरू किया, पंजे कभी इधर मारे कभी इधर मारे कभी इधर मारे जैसे भूखी बिल्ली करती है। अचानक क्या हुआ कि उस लीवर पे प्रेस हो गया और वो केज खुल गया, वो बाहर आकर उसने फूड खा लिया। लेकिन क्या हुआ कि ये फिर उसको उसके साथ ये प्रोसेस किया गया, फिर ये दोबारा एक्सपेरिमेंट किया गया तो उसने दोबारा यही गलती की, जाते उसने पंजे मारना शुरू किए। सो 3-4 बार यही जब एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया गया, फिफ्थ टाइम जब ये एक्सपेरिमेंट रिपीट किया गया तो बिल्ली ने बगैर कोई टाइम वेस्ट किए, ठीक है, इधर इधर पंजा मारो इधर पंजा, उसने डायरेक्ट जाके लीवर को प्रेस किया। ठीक है, ये सिखाया गया है ना
यानी उसने पहले स्टार्टिंग में गलती की, बाद में उसने आसानी से उसको जो है वो वाला प्रोसीजर अडॉप्ट किया और उसको लीवर प्रेस करके वो बाहर आ गई। अच्छा, इसमें लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर में एक चीज़ें ये भी होती हैं कि थॉरन डाइक के अकॉर्डिंगली लॉ ऑफ अफेक्ट है, यानी तासुर कितना अच्छा है। अगर हमें सामने से कोई खुशगवार एहसास है तो हम उस चीज़ को रिपीट करेंगे, अगर वो खुशगवार एहसास नहीं है तो हम उसको ख़त्म कर देंगे। ठीक है, लॉ ऑफ अफेक्ट ये चीज़ होती है। इसके बाद लॉ ऑफ एक्सरसाइज, बार बार ठीक है उस चीज़ को रिपीट करते जाओ, उसकी मशक करते जाओ, आप उस चीज़ को जल्दी सीख जाओगे। फिर आ जाता है जी लॉ ऑफ डी इन्फोर्समेंट, यानी आपको इनाम या सज़ा, अगर इनाम मिलेगा तो आप बहुत जल्दी इस चीज़ को सीखोगे, अगर सज़ा मिलेगी तो आप उस चीज़ को तर्क कर दोगे। मिसाल के तौर पर देखें, बाज़ औक़ात क्या होता है कि हमने स्टूडेंट्स को हमने सिखाना होता है कि आपने अच्छे से पढ़ना है, आपने अच्छे मार्क्स लेने हैं, तो टीचर्स क्या करते हैं कोई ना कोई इनाम रख देते हैं। या अगर आप अगर छोटे होते हैं स्कूल की बात करें तो आपको हर एनुअल जो है फंक्शन पे आपको एक प्राइज़ मिलता था, साल के एंड पे की पोजीशन ही आई है। इसके साथ साथ क्या होता है कि एक सज़ा का भी एक पहलू होता है कि अगर कोई टीचर ने आपको किसी चीज़ से रोकना हो तो आपको पनिश करता है कि ऐसे नहीं ऐसे किया जाए। तो मेरे ख्याल में पनिश का भी तरीक़ाकार जो है वो बहुत ज़्यादा वायलेंट नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसा होना चाहिए जो कि स्टूडेंट पे असर करे। तो सज़ा का भी एक पहलू है, सज़ा वो होनी चाहिए जो कि जिससे स्टूडेंट को असर करे और वो उस चीज़ को तर्क कर दे। ठीक है, नेक्स्ट जी हमारा लर्निंग बाय कंडीशनिंग, ये वही है, पैवलोव वाला एक्सपेरिमेंट है। आप ये पिछला लेक्चर भी देख सकते हैं जिसमें मैंने आपको प्रॉपरली गाइड किया हुआ है कि किस तरह से डॉग को सिखाया गया था, कि स्टार्टिंग में उसको सिखाया गया कि फूड को बेल के साथ एसोसिएट किस तरह से किया गया था। तो ये हमारा लर्निंग कंडीशनिंग वाला मेथड है, ये पूरा बिहेवियरिज्म मैंने डिस्कस किया हुआ है, आप उस लेक्चर को लाजमी देखिएगा, आप वही चीज़ इसमें भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है जी तो क्लास हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेमोरी के हवाले से, हमारी याददाश्त, हमारा हाफ़ज़ा किसको कहते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी आपको। अच्छा जी, मेमोरी क्या है? मेमोरी इज़ अ पर्सनल रिकॉर्ड टू पास्ट एक्सपीरियंस, इट इज़ अ ब्रेन्स एबिलिटी टू स्टोर इन्फॉर्मेशन टू यूज़ लेटर। अच्छा जी, मेमोरी है क्या? मेमोरी से मुराद हमारी वो ज़हनी सलाहियत है जिसकी वजह से हम अपनी डेली की ऑब्जर्वेशन को, प्रैक्टिकल्स को ना सिर्फ जहन में महफूज रखते हैं बल्कि जब हमें ज़रूरत पड़ती है, जब भी हमें ज़रूरत महसूस होती है तो हम इसको रिकॉल कर लेते हैं, यानी याद करते हैं। ठीक है, अच्छा अभी हमने यानी जिस टॉपिक को पढ़ा, अभी हमने लर्निंग के बारे में पढ़ा कि सीखने के अमल को लर्निंग कहते हैं। तो जो स्किल्स हम सीखते हैं इनको रिपीट करना, इनको दोहराना जो है वो एक्चुअली मेमोरी कहलाता है। ठीक है, लिहाजा कोई काम सीखना, इसे जहन नशीन करना और ज़रूरत के वक्त रिकॉल करना एक्चुअली मेमोरी कहलाता है। बहुत आसान है, यानी मैं फिर दोबारा रिपीट कर देती हूँ, यानी जो चीज़ हम लर्न करते हैं, जो चीज़ हम सीखते हैं, जो स्किल्स हम सीखते हैं, इसको दोहराना मेमोरी होती है, आपकी याददाश्त होती है। लिहाजा कोई भी काम जो आप सीख रहे हो, इसे जहन नशीन करना और ज़रूरत के टाइम जब आप इसको रिकॉल करते हो तो ये बेसिकली आपकी मेमोरी कहलाती है। अच्छा, मेमोरी जो है ना वो हमारी डेली लाइफ यानी हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखती है। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखो तो लर्निंग में बहुत अहम किरदार अदा करती है। अगर हम सीखे हुए तजर्बात को याद ना रखें तो कुछ सीख नहीं पाएंगे। ठीक है ना, अच्छा मेमोरी के बगैर एक और चीज़ भी है, मेमोरी के बगैर हम गुफ्तगू नहीं कर सकते, क्योंकि किसी से बात करने के लिए ज़रूरी है कि जो बात हम करने जा रहे हैं वो हमें याद हो, हमें ये भी याद हो कि हमें क्या कहा गया है या हमसे क्या पूछा गया है। इसके बगैर तो हमारी पर्सनालिटी जो है वो इनकम्प्लीट है, हम उस अपनी पर्सनालिटी को डिफ़ाइन ही नहीं कर सकते अगर हमें कुछ याद ही नहीं रहता। ठीक है, हमें यही नहीं याद रहे हमारा नाम क्या है, हमारी फैमिली क्या है, हम किस फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो इस चीज़ के लिए भी हमें याद होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी, अच्छा जी, उसके बाद यानी इंटरेस्टिंग मेमोरी के हवाले से जो अहम पॉइंट है वो ये है कि हम चूँकि बहुत सारे स्टिमुलस को रिसीव करते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, तो जो स्टिमुलस हमारे लिए खुशगवार होते हैं, अच्छे होते हैं, वो हमेशा हमें याद रहते हैं। मसलन हमें अपने बेस्ट फ्रेंड की शादी या अपने किसी फैमिली मेम्बर की शादी हो तो वो हमें हमेशा याद रहती है। ऐसा भी होता है कि हमें अपने फ्रेंड्स के या अपनी फैमिली मेम्बर्स की शादी में जो कपड़े हमने पहने हो या किसी हमारे बेस्ट फ्रेंड ने या हमारे सिबलिंग्स ने पहने हो, हमें वो भी याद रहते हैं। लेकिन चूंकि शादी में बहुत सारे लोग होते हैं, गैदरिंग होती है,
तो हमें उन लोगों के कपड़े या उन लोगों के से रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ याद नहीं रहती जो कि हमारे लिए गैर ज़रूरी होते हैं, ठीक है। तो अगर हम साइकोलॉजिस्ट की बात करें तो साइकोलॉजिस्ट जो है वो हमेशा से ही उनका ये जो है मेमोरी वो बड़ा फेवरेट टॉपिक रहा है। क्यों रहा है? इसकी बड़ी वजह ये है कि वो इससे रिलेटेड बहुत सारे एक्सपीरियंसेस करते रहे हैं कि किस तरह से मेमोरी स्टोर होती है, हम क्यों भूल जाते हैं। साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो हमेशा से ये जानना चाहते हैं कि आखिर हम भूल क्यों जाते हैं, फॉरगेटिंग कॉजेज़ क्या हैं। और मेरे ख्याल में आप लोग भी ये जानना चाहते हैं कि हम क्यों भूलते हैं। अभी हम याद करके यहाँ से फारिग होते हैं फिर हम भूल जाते हैं। अब अगर एग्ज़ाम्स हैं तो हम याद करते हैं, सारे क्वेश्चंस हम याद करके जाते हैं, लेकिन हमें एग्ज़ाम के टाइम पे वो चीज़ भूल जाती है। तो इससे रिलेटेड बड़ा अहम पॉइंट बताने जा रही हूँ आपको। अच्छा जी, साइकोलॉजिस्ट क्या कहते हैं कि आखिर हम क्यों भूल जाते हैं, फॉरगेटिंग कॉजेज क्या हैं, और कुछ बातें हमें क्यों याद रहती हैं, उम्र गुजरने के साथ साथ याददाश्त पर क्या असर पड़ता है। अच्छा जी, उसके बाद आता है जी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया जाता है, ठीक है। सो मेमोरी से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन जो है जो भी है वो उसकी किस तरह से उसको नया मोड़ मिला, एक्चुअली उसको कंप्यूटर की इन्वेंशन से नया मोड़ मिला। ये बात बहुत इंटरेस्टिंग है कि कंप्यूटर बनाते वक्त इंसानी दिमाग के मैकेनिज्म जो से हेल्प ली गई और अब इंसानी ह्यूमन ब्रेन को समझने के लिए कंप्यूटर की हेल्प ली जाती है। अच्छा, मेमोरी जो है हमारी याददाश्त का मेयार जो है वो रिकॉल की सलाहियत पर है। जो मालूमात हमें वक्त पर याद आ जाती हैं वो एक अच्छी मेमोरी की निशानी है। यानी इंफॉर्मेशन जो हमने परसीव की होती है वो ज़रूरत के वक्त अगर हमें याद आ जाए तो ये एक अच्छी मेमोरी की निशानी है। अच्छा, एक और बड़ा अहम पॉइंट है फॉरगेटिंग कॉज का कि वो हमें क्यों भूल जाता है। पेपर के दौरान समटाइम्स आपने अपने टीचर्स को भी ये कहते सुना होगा, अपने पेरेंट्स को भी ये कहते सुना होगा कि एग्ज़ाम से एक घंटा पहले या आधा घंटा पहले जो है अपने बुक्स और नोट्स छोड़ दें, रिलैक्स हो जाएं, खाएं पिए या कुछ भी ऐसा करें। तो मैं भी यही सजेस्ट करती हूँ। इसकी बड़ी वजह ये है कि देखिए जब इंसान परेशानी, घबराहट और बेचैनी और खौफ में मुबतला हो जाता है ड्यूरिंग या बिफ़ोर एग्ज़ाम या बिफ़ोर पेपर, तो क्या होता है कि जितनी चीज़ें उसने याद की होती हैं, ठीक है, उसके सेंसरी मेमोरी से शॉर्ट टर्म मेमोरी में होती हैं या लॉन्ग टर्म मेमोरी में होती हैं, वो फ़ौरन से उड़ जाती हैं। तो उसको याद ही नहीं आती, उसको भूल जाती हैं, क्योंकि ये साइकोलॉजिस्ट ने बहुत सारे प्रैक्टिकल से ये बात यानी इसको साबित किया है कि परेशानी, घबराहट, बेचैनी, पैनिक होने से बेसिकली जो चीज़ें हमारी हमें ड्यूरिंग बिफ़ोर एग्ज़ाम जो है हम लोग बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे होते हैं पेपर में क्या आएगा। हालांकि पेपर जो है वो आपकी बुक में से ही आना है, या जो चीज़ आपने आपको पढ़ाई गई है या जो चीज़ आपने पढ़ी है उसी में से पेपर आना है। लेकिन पेपर से क्या, चूँकि एक फोबिया होता है, पेपर का डर होता है कि पेपर में पता नहीं क्या चीज़ आ जाएगी। अगर तो आपने अच्छे से तैयारी की है तो पेपर से डरने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्फिडेंट होकर पेपर दें। सो इसी तरह समटाइम्स क्या होता है कि क्लासरूम में जब आपके क्विजेज होते हैं तो टीचर जो हैं वो आपको एक दिन पहले इन्फॉर्म कर देती हैं कि आपके कल क्विजेज़ होंगे, आप अच्छे से तैयारी करके आते हो। लेकिन ड्यूरिंग क्विजेज़ जब टीचर आपसे क्वेश्चनिंग कर रही होती हैं तो आप वो भूल जाते हैं। उसकी बड़ी वजह क्या होती है, आपका पैनिक होना, आपका खौफ में मुबतला होना, आपका घबराहट का शिकार होना। तो डैट्स वाई आप आंसर्स को भूल जाते हो। सो बिफोर एग्ज़ाम अपने आप को रिलैक्स करें एक घंटा पहले, उससे पहले नहीं रिलैक्स करना, उससे पहले पढ़ना है जितना हो सकता है, आपने पढ़ना है, याद करना है और रट्टा नहीं लगाना, समझ के पढ़ना है। क्योंकि लॉन्ग टर्म मेमोरी का साइकोलॉजिस्ट ने ये भी प्रूव किया है कि जिस चीज़ को स्टूडेंट्स रट्टा लगा के क्रैमिंग यानी उसको बहुत ज़्यादा रट्टा लगा के याद करते हैं वो कुछ अरसे के बाद भूल जाता है। अगर वही आप मटेरियल अगर आप समझ के पढ़ोगे तो वो बहुत देर तक आपको याद रहेगा, ठीक है। तो ये एक अहम पॉइंट था। अच्छा, इसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट आ जाता है वो है जी हमारा सेंसरी मेमोरी। एक्चुअली सेंसरी मेमोरी होता क्या है, बहुत अहम पॉइंट है। अच्छा, किसी इंसान की जो है मुख्तसर जो है याद को हम सेंसरी मेमोरी कहते हैं। यानी जो हमारी स्टार्टिंग वाली जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, इब्तदाई इन्फॉर्मेशन जब कोई इंसान परसीव करता है तो हम इसको सेंसरी मेमोरी कहते हैं। तो सेंसरी मेमोरी जो है वो मेमोरी का पहला मरहला है। इसे हम प्री जो अटेंटिव स्टेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्री अटेंटिव स्टेज भी कहते हैं। ये सेकंड के 10वें हिस्से से लेके 1 सेकंड तक बरकरार रहती है, ठीक है। अच्छा, होता क्या है कि हमारी जो सेंसेस हैं, हमारी विजुअल, ऑडिटरी जो है, हमारी टेस्ट, यानी जितनी हमारी सेंसेस हैं, हम उनसे क्या करते हैं, स्टिमुलस को रिसीव करते हैं, अपने ब्रेन को मैसेज करते हैं, मैसेज कन्वे करते हैं।
तो होता क्या है बेसिकली कि जब हमारी सेंसेस मुख्तलिफ किस्म के स्टिमुलस को रिसीव करती हैं, मसलन ऑडिटरी, विजुअल, और ये सेंसेस इन स्टिमुलस को आगे मुंतकिल करती हैं, तो होता क्या है कि एक वक्त में हम बहुत सारे स्टिमुलस को रिसीव कर रहे होते हैं, ठीक है। तो या तो हमारा ब्रेन क्या करता है कि इसको भुला देता है, या फिर इसको अगले मरहले में जो है वो सेंड कर देता है, मुंतकिल कर देता है। अच्छा जी, इसके आगे से जो सेंसरी मेमोरी है उसको समझना बहुत आसान है। सेंसरी मेमोरी में बेसिकली होता क्या है कि इसकी दो टाइप्स होती हैं, ठीक है। एक तो होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी, यानी थोड़े वक्त के लिए, और एक होता है लॉन्ग टर्म मेमोरी, यानी ज़्यादा देर के लिए, ठीक है। अच्छा, शॉर्ट टर्म मेमोरी जिसको हम STM भी कहते हैं, ये होता क्या है बेसिकली, इसको हम क्या किससे रिलेट करते हैं? तो सेंसरी मेमोरी से जो मुंतकिल शुदा तासुरात होते हैं अगले 20 सेकंड तक जहन में महफूज रहें, ठीक है जी। ये टाइमिंग आप नोट कर लें, मैं इसके वजह से आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूँगी कंप्लीट फ़िलहाल, लेकिन आपको मेरा लेक्चर सुनना बहुत ज़रूरी है, लेक्चर सुनेंगे तो समझ आएगी। अच्छा, सेंसरी मेमोरी में एक्चुअली होता क्या है कि जो चीज़ हम परसीव करते हैं हमारे अपनी सेंसरी सेंस ऑर्गन्स की मदद से, वो अगर इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन में 20 सेकंड तक रहती है तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी कहलाती है, ठीक है। यानी इस याद की जो नौीयत होती है वो बहुत आर्जी होती है, टेम्परेरी होती है, और अगले 10 से 20 सेकंड तक ख़त्म भी हो जाती है। यानी अगर हम गैर अहम या कोई भी गैर ज़रूरी जो बातें होती हैं साथ साथ भूलते जाते हैं, साथ साथ हमारा ब्रेन जो है उसको रिमूव करता जाता है, क्योंकि अगर बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाएँ एक टाइम पर तो हमारी जो बेसिकली इंफॉर्मेशन होगी हम उसको तो स्टोर ही नहीं कर पाएंगे अपने ब्रेन में, ऐसा ही है ना। इस तरह से नई मालूमात को वसूल करने के लिए जगह भी बनती रहती है। यानी शॉर्ट टर्म मेमोरी आपकी कितना टाइम लगता है? 20 सेकंड, ठीक है। 20 सेकंड तक आपके माइंड में रहती है, उसके बाद ये रिमूव हो जाती है, इसको हम शॉर्ट टर्म मेमोरी कहते हैं। तो शॉर्ट टर्म जो है होता क्या है कि बेसिकली जो आपकी सेंसरी मेमोरी जो है वो ट्रांसफ़र होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी में, वो किसकी मदद से होती है? वो होती है जी आपकी इनकोडिंग की मदद से, ठीक है। वो किसकी मदद से होती है? आपकी इनकोडिंग। इनकोडिंग एक्चुअली होता क्या है, बहुत आसान इसकी डेफिनेशन मैं आपको बता देती हूँ कि जो आपकी सेंसरी मेमोरी से जो इन्फॉर्मेशन STM में मुंतकिल होती है, ठीक है, जो आपकी मेमोरी सेंसरी, यानी जो आपकी सेंसरी मेमोरी आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में मुंतकिल होती है, यानी मैंने भी आपको बताया शॉर्ट टर्म मेमोरी है 20 सेकंड का वक्फा, ठीक है। तो उसकी क्या होता है कि बेसिकली आपका ब्रेन उसकी अरेंजमेंट करता है, यानी क्या करता है कि उसको पुरानी मालूमात को नई मालूमात से सेपरेट करता है। अगर सारी मिक्स हो जाए तो फिर आपका ब्रेन तो कुछ डिसाइड ही ना कर पाए कि हमने यानी अभी क्या याद रखना है और हमने बाद में क्या याद रखना है, ठीक है ना। यानी अगर आपने मैट्रिक में कुछ पढ़ा है तो वो एक सेपरेट है, वो आपको सेपरेट याद है, लेकिन अभी जो आप रिसीव कर रहे हो, परसीव कर रहे हो, वो सेपरेट है। तो ये इनकोडिंग का मेथड होता है, यानी ये बेसिकली कंप्यूटर से इसकी एक ली गई है। तो इनकोडिंग क्या होता है, यानी सेंसरी मेमोरी से जब आपकी जो मेमोरी शॉर्ट टर्म मेमोरी यानी 20 सेकंड में होती है, 20, तो बेसिकली होता क्या है कि आपका ब्रेन क्या प्रोसेस स्टार्ट करता है? इनकोडिंग का, ठीक है। इनकोडिंग क्या होता है कि आपकी जो नई इन्फॉर्मेशन है वो पुरानी इन्फॉर्मेशन से सेपरेट हो रही है, अलग अलग हो रही है, तो ब्रेन ये प्रोसेस करता है। अच्छा, अब हम साइकोलॉजिस्ट जो हैं ये चूँकि इसके ऊपर रिसर्च करते हैं और वो कहते हैं कि हम इनकोडिंग किस अंदाज़ में करते हैं, मसलन जब हम फ़ोन नंबर देखते हैं, डायल करते हैं या याद रखते हैं, तो हम किस अंदाज़ में करते हैं? बेसिकली कुछ लोग, क्योंकि ये फोटोग्राफिक मेमोरी भी होती है, किसी की बहुत मेमोरी स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन ये अपने अपने परसेप्शन पे बेस करता है, ठीक है, अपने अपने IQ लेवल पे भी बेस करता है। बाज़ू का देखें कुछ लोगों में क्या होता है कि किसी भी चीज़ को देख के फ़ौरन याद कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग क्या होता है कि सुन के फ़ौरन से उस चीज़ को याद कर लेते हैं, लेकिन ये इनफरादी तलफात है, अपनी अपनी जहानत होती है, अपनी चीज़ होती है। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, अब मैं आपको साइकोलॉजिस्ट का पॉइंट बताने जा रही हूँ। साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग कोडिंग जो है, कोडिंग इसको कहते हैं अलग अलग करना इन्फॉर्मेशन को, 20 सेकंड के बाद जो मरहला शुरू हो रहा है वो इनकोडिंग का शुरू हो रहा है। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि जो कुछ लोग हैं वो विजुअल कोडिंग करते हैं, कुछ ऑडिटरी कोडिंग करते हैं, यानी सुन के करते हैं। अब इनके अकॉर्डिंगली साइकोलॉजिस्ट ज़्यादा जिसको फेवर देते हैं वो ऑडिटर, यानी समाती, आप सुन के ज़्यादा किसी भी चीज़ को जो है वो मेमोराइज करते हो बजाय के देखने के लिए। लेकिन ये हर चीज़ हर लेवल के, यानी हर इनफरादी इख्तलाफात आ जाते हैं। अगर मैं कहूँ तो बच्चे जो हैं वो ज़्यादातर विजुअल कोडिंग करते हैं, वो देख के ज़्यादा चीज़ों को समझते हैं और देख के
किसी भी चीज़ को परसीव करते हैं। और अगर उनके सामने इसकी बड़ी मिसाल जो है, जो स्कूल लेवल पे जो मॉन्टेसोरी है, वहाँ पे बच्चों को डिफरेंट जो है कार्टून्स की मदद से कोई मैसेज देने की कोशिश की जा रही होती है, तो बच्चे क्या करते हैं, विजुअल चीज़ों से बहुत ज़्यादा जल्दी सीखते हैं, तस्वीर पिक्चर्स की मदद से ज़्यादा सीखते हैं। तो ये है जी शॉर्ट टर्म मेमोरी। अच्छा, शॉर्ट टर्म मेमोरी के बाद क्या होता है कि हमारा जो नेक्स्ट प्रोसीजर है, शॉर्ट टर्म मेमोरी में हमने क्या किया, इनकोडिंग की। ब्रेन ने नई मालूमात को अलहदा और पुरानी मालूमात को अलहदा किया। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आ जाता है, वो आ जाता है जी रिहर्सल का। रिहर्सल यानी बार बार प्रैक्टिस करना, यानी जिस मटेरियल को हम बार बार दोहराया जाएगा, इसकी मदद से इसकी रिहर्सल होती जाएगी, इस याद की मदद बढ़ जाती है। प्रैक्टिस करने से जब हम बार बार रिहर्सल कर रहे होते हैं तो नई कोडिंग जो हो रही होती है ना हमारी, वो रुक जाती है थोड़ी देर के लिए। हमें पुरानी जो कोडिंग हमने हासिल की होती है, हम उसको प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और हम उसको पुख्ता कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, ऑडिटोरी कोडिंग के बाद जो है विजुअल कोडिंग ज़्यादा इस्तेमाल होती है। मसलन अगर हम कोई चीज़ कहीं लिखी हुई देख लें, इस अंदाज में पढ़ लें, उसका तासुर चंद लम्हे के लिए कायम रहता है, बाद में वो हमारा समाती कोड में चेंज होता है, ठीक है। अच्छा, एस टी एम जो है हमारी मेमोरी, ये पेपर में सवाल आता है। पेपर में सवाल किस हवाले से आता है, दो तरह से, सेंसरी मेमोरी के जो दो हैं, एक शॉर्ट टर्म मेमोरी है और लॉन्ग टर्म मेमोरी, किसको कहते हैं। बेसिकली ज़्यादा क्वेश्चन इस हवाले से आता है, या मेमोरी के प्रोसेसेस आ जाते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। अच्छा, शॉर्ट टर्म मेमोरी में क्या आ जाता है जी, कि जो याद की जो गुंजाइश है वो बहुत महदूद होती है। जॉर्ज मिलर के मुताबिक इंसानों में इंफरादी इख्तलाफात पाए जाते हैं। इनका कहना है कि जो रिहर्सल के बाद जो स्टोरेज हो सकती है ना शॉर्ट टर्म मेमोरी, यानी थोड़े वक्त के लिए, वो बेसिकली इन्होंने 7 तकाइयाँ बताई हैं। कहता है कि सिर्फ 7 तकाइयाँ जो हैं वो एट अ टाइम आपको याद रह सकती हैं। अगर 7 से ज़्यादा होता है कि फॉरगेटिंग कॉजेज, सवाल होता है फॉरगेटिंग कॉजेज क्या है, मुख्तसर सवाल ये आ सकता है कि फॉरगेटिंग कॉज क्या है शॉर्ट टर्म मेमोरी का, तो वो बेसिकली अगर 7 इकाइयों डिजिट से ज़्यादा हो जाते हैं तो आप भूलना शुरू कर देते हैं, ठीक है, फिर आप ज़्यादा उसको याद नहीं रख पाते। हमारा जो नेक्स्ट है वो आ जाता है जी लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी में बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यानी कोई भी ऐसे जो वाक़ात है, ऐसे एक्सपेरिमेंट हैं जो कि बहुत टाइम तक आपके जहन में महफूज रहें, इसको हम लॉन्ग टर्म मेमोरी कहते हैं, जैसे कि नाम से ही आपको ज़ाहिर हो रहा है। अच्छा, ये जो मेमोरी है ये मिनटों, घंटों, दिनों, हफ्तों, महीनों, सालों से लेकर उम्र भर पर भी कह लें, उम्र पूरी उम्र आपको वो चीज़ें याद रहती हैं। अच्छा, इसको सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप लॉन्ग टर्म मेमोरी की जो अगर हम मिसाल लें, तो इसमें क्या है जी, हमें क्या होता है कि बाज़ औक़ात हमारे सामने हमारे बचपन के वाक़ात हमें याद होते हैं, हमें अपने स्कूल के, अपने कॉलेजेस के सारे वाक़ात याद होते हैं। कोई टीचर का कोई ऐसा अंदाज़े बयां होता है वो हमारे सामने होता है वो, और कोई ऐसा सब्जेक्ट या टीचर की कोई कही हुई ऐसी बात वो हमारे जहन में हमेशा रहती है। हमें बाज़ औक़ात क्या होता है कि कॉलेज का नाम, रोल नंबर, सेक्शन, ग्रेड, पोजीशंस वगैरह, हमेशा ये तमाम चीज़ें हमें याद रहती हैं। हमें अपने बचपन के दोस्त याद रहते हैं, हमें अपने फ्रेंड्स याद रहते हैं, तो ये हमें भूलते नहीं हैं, ठीक है। ये हमारे ऊपर बेस करता है कि ये तमाम चीज़ें लॉन्ग टर्म मेमोरी में आती हैं। अच्छा जी, अच्छा लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है, अच्छा जो लॉन्ग टर्म मेमोरी की जो एलैबोरेशन होती है बेसिकली, वो किस तरह से होती है। अगर हम किसी भी चीज़ को, मैंने भी आपको बताया था स्टार्टिंग में कि अगर जो स्टूडेंट्स हैं वो रट्टा लगाने के बजाय समझ के याद करेंगे तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी बनेंगे। लेकिन अगर वो सिर्फ और सिर्फ फॉर द टाइमिंग उस चीज़ को सिर्फ याद करके ख़त्म करना चाहेंगे कि चलो ये हमारे सर पर एक बोझ बना हुआ है, हमने याद करना है, टीचर ने सुनना है, तो वो थोड़ी वो फिर क्या बन जाएगी, आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी। लेकिन अगर आप वही पॉइंट हो, जैसे कि अभी हम मेमोरी प्रोसेसेस को पढ़ेंगे, इतना इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अगर आप इसको समझ के याद करेंगे, समझ के सुनेंगे, समझ के पढ़ेंगे, तो मेरे ख्याल में ये आपको लाइफ टाइम जो है ये आपको नहीं भूलेगा। तो क्या होता है कि इसमें जो एलैबोरेशन होती है किसी भी टॉपिक की लॉन्ग टर्म मेमोरी में, क्या होता है कि आप जब किसी चीज़ को समझ के याद करते हैं तो उसको रिकॉल करना आसान हो जाता है, ठीक है, एग्ज़ाम्स में भी। तो मेरी तो ये सजेशन है आपको कि एग्ज़ाम से पहले आप बेसिकली क्या करें कि जो है 1 घंटा पहले, आधा घंटा पहले अपने आप को रिलैक्स करें, अपने माइंड में उसको रिकॉल करें, जो जो आपने क्वेश्चंस याद किए हैं उसके पॉइंट्स, उसकी जो। अच्छा, चूँकि लॉन्ग टर्म मेमोरी की जो रिट्रीवल है वो किस तरह से होती है, तो जो किसी भी मटेरियल को रिकॉल करना है ऐसा ही है इसमें, जैसे कि किसी बहुत बड़ी लाइब्रेरी से किसी किताब को ढूंढना। अगर हम किताब तलाश ना कर सकें तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि किताब लाइब्रेरी में मौजूद नहीं है, बल्कि अदम रसाई की वजह से किताब का गलत जगह पर होना या किताब की सही जगह का इल्म ना होना हो सकता है। हाफ़ज़े में यानी हमारी जो मेमोरी में नाकामी या
फॉरगेटिंग की वजह मालूमात का गायब होना या ख़त्म होना नहीं है, बल्कि मालूमात तक रसाई ना होना है। इसलिए ख़राब या वीक मेमोरी से मुराद मालूमात का ज़िया नहीं है, बल्कि मालूमात तक हमारा असेस नहीं हो रहा होता। ठीक है, कि हम कहते हैं ना, हम भूल गए, हमें याद नहीं आ रहा, हमने याद तो किया था, हमें याद नहीं आ रहा। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा जो हमारी फॉरगेटिंग कॉजेज़ जो लॉन्ग टर्म में हो सकते हैं, वो कौन कौन से हो सकते हैं? कि बाज़ औक़ात क्या होता है कि इंसान को अगर कोई अगर असेस नहीं आ रहा होता, तो अगर हम उसको थोड़ा क्लू दे दें तो वो बहुत आसानी से उस चीज़ को जो है वो गेस कर लेता है। लाइक अगर बच्चों को एग्ज़ाम्स के दौरान क्वेश्चन किए जा रहे होते हैं MCQs की सूरत में, तो साथ में क्या होते हैं, 4 ऑप्शन होते हैं, तो आप फ़ौरन से आपको याद आ जाता है अगर कोई भी ऑप्शन है, यानी पाकिस्तान का सदर मकाम कौन सा है, लाहौर, कोयटा, पेशावर, इस्लामाबाद, कराची। तो अगर क्लू हैं आपके सामने, आपको अगर भूल भी गया है तो आपको फ़ौरन से याद आ जाएगा। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जी हमारे मेमोरी प्रोसेस, यानी किन की मदद से हमारी जो मेमोरी है वो स्ट्रॉन्ग होती है और किस किस की मदद से क्या क्या होता है। अच्छा जी, सबसे पहला जो है वो है हमारा लर्निंग। चूँकि हमने पहले भी पढ़ा है कि किसी चीज़ को सीखना जो है वो लर्निंग कहलाता है, इसमें जो इब्तदाई इन्फॉर्मेशन हासिल होती है उसको सेंसरी मेमोरी कहते हैं, और बार बार प्रैक्टिस करने से वो जो सेंसरी मेमोरी है शॉर्ट टर्म मेमोरी में चेंज हो जाएगी। शॉर्ट टर्म मेमोरी के बाद फिर वो मेमोरी हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चेंज हो जाएगी अगर हम उसको प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद जो आ जाता है हमारा रिटेंशन आता है, यानी जो भी इंफॉर्मेशन हमने हासिल की है उसको अपने माइंड में स्टोर कर लेना, महफूज कर लेना, रिटेंशन कहलाता है। नेक्स्ट आ जाता है जी हमारा रिकॉल, यानी दोहराना किसी भी चीज़ को, जो मटेरियल हमने याद किया है, स्टोर किया है अपने माइंड में, उसको दोहराना जो है वो बेसिकली क्या कहलाता है, वो हमारा रिकॉल कहलाता है। तो ये इसी चीज़ इसी की जो मिसाल है वो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस के आंसर्स देना है। यानी हम ड्यूरिंग एग्ज़ाम क्या कर रहे होते हैं, हम बैठे वहाँ पर एग्जामिनेशन हॉल में रिकॉल कर रहे होते हैं जो मटेरियल हमने याद किया है। इसके बाद जो है जी वो आ जाता है जी रिकॉग्नाइजेशन, यानी शनाख्त करना, पहचान करना। इस जो टाइम पीरियड में है, जो क्या होता है इस मरहले में मटेरियल को उसी अंदाज़ में दोहराया जाता है जिस अंदाज़ में इसको महफूज किया गया होता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर कोई पॉइंट इस लेक्चर के हवाले से आपको समझ ना आए तो यू कैन आस्क। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।